दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में डिजिटल डोनेशन कियोस्क लगाया गया है। इस कियोस्क में कोई भी श्रद्धालु प्लास्टिक मनी से डोनेशन कर सकता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस डोनेशन कियोस्क में प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करते हुए कोई भी श्रद्धालु 500, 1100, 2100 या फिर 5100 रुपये तक का डोनेशन कर सकता है। आजकल डिजिटल इंडिया या दुनिया दे विच आजकल प्लास्टिक मनी आ चुका है। अजकल कैश लोग कैरी नहीं करते। बड़े लोगों के साढ़े को सुझाव आते हैं जी असं पैसे देना चाहते हाँ, साढ़े को कैश नहीं हैगी, असं कि दईए, असं अकाउंट चो पे करना चाहते हाँ। कोई पीटीएम की गल करते हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। ये लक्ष्मी व्यास बैंक ने जोड़ा इतने कियोस्क लाया दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग के नाल। बहुत ही लेटेस्ट और मॉडर्न चीज़ है। ये अंदर अगर तुम कोई डोनेशन देना चाहते हो, तुसी एजुकेशन नू देना चाहते हो, लंगर वास्ते देना चाहते हो, कार सेवा वास्ते देना चाहते हो, किसी होर परपज़ लिए देना चाहते हो, तुसी ये दे सकते हो। ये विच कुछ फिक्स अमाउंट लिखे ने 1100, 2100, 5100 इदां लिखे ने, लेकिन अगर कोई इस तो वध देना चाहता वह भी दे सकता है। और अगर इतने वो नहीं देना चाहता, इतने सिर्फ अपना फोन नंबर अगर वो पा जाता उसनों SMS चले जाता, उतों की पेमेंट जी भी देगा वो सीधा साढ़े अकाउंट के आएगी। और सब तो वड्डी गल, अगर कोई डोनेशन करता है और उसनों ATG चाहिए, इनकम टैक्स का जोड़ा रिफंड है वो चाहिए, वो जो सानू अपना ईमेल ये फीड करेगा, इतों उसनों ईमेल राही उसके ईमेल अकाउंट के ATG के रिफंड का फॉर्म भी उसनों चला जाएगा। गुरुद्वारा कमेटी का मानना है कि इस डिजिटल कियोस्क से संगत को काफ़ी सहूलियत होगी। अब यदि किसी शख्स के पास कैश नहीं होगा तो ऑनलाइन के माध्यम से भी डोनेशन दी जा सकेगी। नवोदय टाइम्स के लिए दिल्ली से सुदीप सिंह की रिपोर्ट।